भाई सर, अगर आप शादाब खान के फैन तो गया करो सब्सक्राइब चैनल को, ताकि अंदाजा तो लगे कि शादाब खान के कितने फैन अभी भी मौजूद है। आपके साथ हूँ मैं खबर सिंह। पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला जा रहा था एक बेहतरीन मुकाबला, जहां पर एक बार फिर से घटिया बल्लेबाजी का नजारा पेश किया बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने। ये दोनों बल्लेबाज एकदम घटिया बल्लेबाजी, पूरा मूड खराब कर दिया। पाकिस्तान के बाहर होने की वजह ये दो खिलाड़ी हैं। अगर इन दोनों को ही बाहर कर दिया जाता है तो शायद पाकिस्तान की स्थिति कुछ और होती। मेरा ऐसा मानना है कि आसिफ अली को ओपन कराना चाहिए था, बाबर आजम को थर्ड पे भेजना चाहिए था। फखर जमान और आसिफ अली ये दोनों ओपन कर सकते थे और मोहम्मद रिजवान पाँचवें या छठवें बल्लेबाजी कर सकते थे। बहरहाल यहाँ पर बात क्या होता है ये कि शादाब खान ने आज एक फिनिशर की भूमिका अच्छे से निभाई। भाई साहब 20 बॉल में 50 जड़ दिया, सबसे तेज 50 जड़ा है आज। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ शादाब खान ने बेहतरीन बैटिंग का नज़ारा पेश किया। जितनी तारीफ की जाए शादाब खान की उतनी कम है कज़ाक की बैटिंग। भाई साहब मानना पड़ेगा यार।